मुख्यमंत्री के गृह जिला में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली नर्मदा देवी पत्नी लाभ सिंह निवासी दरेडू का परिवार बिन पैसे नर्मदा के हार्ट की सर्जरी नहीं करवा पा रहा। सरकारी संस्थान IGMC शिमला के कार्डियोलॉजी विभाग द्वारा जांच उपरांत नर्मदा के इलाज के लिए 3 लाख रुपए का एस्टीमेट तैयार कर पैसे का इंतजाम करने को कहा है। हालांकि महिला मरीज के पास केंद्र सरकार की स्वास्थ्य स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड भी है, लेकिन IGMC अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इसके अंतर्गत हार्ट सर्जरी का कोई लाभ नहीं मिल सकता, जिसे केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत में 5 लाख के फ्री इलाज के दावों पर सवाल निशान लग गया है। यह जानकारी देते हुए नर्मदा देवी के पति लाभ सिंह ने बताया कि वह प्राइवेट संस्थान में छोटी सी नौकरी करता है, जिससे घर की रोटी मुश्किल से चलती है, और आयुष्मान कार्ड तो है लेकिन IGMC में इसे मुफ्त इलाज का कोई प्रावधान नहीं है। लाभ सिंह का कहना है कि वह स्थानीय विधायक राकेश जम्वाल से भी इस संदर्भ में मिल चुके हैं और मुख्यमंत्री से भी मदद की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी पत्नी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है, जिसके चलते वह लोगों से मदद की भीख मांगने को मजबूर हैं। लाभ सिंह ने आमजन व सामाजिक संस्थाओं से अपील की है कि फौरी इलाज के लिए उनकी मदद करें। मेरी पत्नी 1 महीने से बीमार है। हम IGMC गए और उधर उन्होंने बताया कि हार्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई और उन्होंने 3,75,000 रुपये की डिमांड की कि इतना खर्चा इस पर आएगा। तो हमारे पास जो है तो आयुष्मान कार्ड भी है, लेकिन उन्होंने मना कर दी कि ये चीज़ जो है डलेगी तो इसके अंतर्गत नहीं आएगी। तो हमने CM साहब को भी वो भेजे हैं डॉक्यूमेंट्स, लेकिन उनका भी अभी कोई वो नहीं हो रहा है, पता नहीं लग रहा है कि होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे पैसे की बड़ी सख्त ज़रूरत है, और ऑपरेशन जो है वो जल्दी, डॉक्टर साहब ने बोला कि जल्दी होना चाहिए। IGMC शिमला के डॉक्टरों ने बताया हुआ है कि 3,75,000 रुपये जमा करवाएं, और हमने भी अपने विधायक जी से भी डिमांड की हुई है कि शिमला में ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। मेरी फैमिली ना IRDP में है ना BPL में है, तो मैं खर्चा ये नहीं कर सकता, एक गरीब परिवार से हूँ।